नमस्कार साथियों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा ग्यारहवीं विषय जैव प्रौद्योगिकी माध्यमिक शिक्षक मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 का ब्लू प्रिंट। क्लास है 11th, सब्जेक्ट है जैव प्रौद्योगिकी का ब्लू प्रिंट देखेंगे। तो सबसे पहले इकाई या विषय वस्तु है। इकाई पर आवंटित अंक हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, अंकवार प्रश्नों की संख्या में 2, 3, 4 अंक के क्वेश्चन हैं, लास्ट में कुल प्रश्न हैं। जैव प्रौद्योगिकी के परिचय, जैव रासायनिक यांत्रिकी का मूलभूत ज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं समाज, इससे कुल आपके 10 अंक के क्वेश्चन आंसर निकलना है, जिसमें 4 अंक के ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक का एक प्रश्न है, 4 अंक का एक प्रश्न है। जैविक अणु बायो मोलिक्यूल जैव अणुओं की रचनात्मक घटक है और मैक्रो मोलिक्यूल की गतिशील संरचना एवं कार्य। जैव रासायनिक तकनीक है, इससे कुल टोटल आपका 20 अंक आना है, जिसमें 8 ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, 3 अंक का एक प्रश्न है, 5 अंक के एक प्रश्न है। कोशिका एवं विकास जीवन की मूल इकाई, कोशिका वृद्धि एवं विकास, कोशिकीय तकनीक, इससे कुल टोटल आपका 20 अंक का प्रश्न उत्तर निकलना है, 8 अंक के ऑब्जेक्ट हैं, 2 अंक के 3 प्रश्न हैं, 3 अंक के 2 प्रश्न हैं, लास्ट में है आपका आनुवंशिक एवं आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी के सिद्धांत, जीनोम के कार्य, आनुवंशिकी की तकनीकें, इससे कुल आपका 20 अंक का प्रश्न उत्तर निकलना है, जिसमें 8 अंक के ऑब्जेक्ट, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का एक प्रश्न। कुल योग आपका 70 है, ऑब्जेक्ट कुल आपके 28 अंक आने हैं, 2 अंक के प्रश्न 16 अंक आने हैं, 3 अंक के प्रश्न 12 अंक आने हैं, 4 अंक के प्रश्न 4 अंक आने हैं और 5 अंक के प्रश्न आपके 10 अंक आने हैं। कुल प्रश्न संख्या 15 है और 4 वस्तुनिष्ठ, तो टोटल प्रश्न संख्या हुई 19। 2 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा आपको 30 शब्द रखना है लगभग, 3 अंक के प्रश्न की शब्द सीमा लगभग 75 शब्द, 4 अंक एवं 5 अंक के शब्द की 5 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।